हमारी आज की बहनों के विचार रुक्मिणी सीता और सावित्री जैसे हो जाएं तो भगवान को आने में परीक्षित महाराज देर नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। लेकिन मेरी बहनों के विचार बदल गए, हमारी आज की बहनों के विचार बदल गए, हमारी आज की बहनों को भगवान राम और भगवान कन्हैया जैसे पति की जरूरत नहीं रही। और अगर सही समझो तो हमारी आज की बहनों को अब पति की जरूरत ही नहीं है। अब पति नहीं चाहिए किसी को, अब उन्हें केवल हस्बैंड चाहिए। पहले के जो पुराने रिश्ते हैं पति पत्नी के रिश्ते, वो प्रेम के रिश्ते हुआ करते थे। पांडालम बड़े बूढ़े बैठे हैं, हाँ तो पांडाल में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पहले ये इनके रिश्ते थे पति पत्नी के। और आज के जो रिश्ते हैं पुराने जो रिश्ते थे वो पति पत्नी के थे, जो आजकल नई नई शादियां हो रही हैं जा जमाने में जा समय में, तो बे रिश्ता पति पत्नी के ना है, बे हस्बैंड और वाइफ के हैं। वाह, मैं हेडपंप ये मेरे पाइप। अब हस्बैंड और वाइफ के रिश्ता है तभी तो चलतना है ज्यादा, दो चार ही साल चल पाते हैं, बहु फांसी लगाते हैं, लड़का गोली मार लेते और ना तो तलाक हो जाते। बुजुर्ग बैठे हैं पंडाल में, बड़े बूढ़े बैठे हैं, देखो डुकरिया वे लो चलिया ही 70 साल लो संग, अब कोई चल के दिखाई दे 70 साल, अब तो उन्हें 70 मिनट को भरोसा ना रहो, 70 साल तो बहुत बड़ी बात है। बड़ी बूढ़ी माताएं बैठी हैं, अबे तक संग दे रही डुकरन को, देखो हैं। और जा समय में तुम देखो दो चार ही 5 साल साथ ब्याह उन्हीं की तरह चल पास, लठा पार्टी चालू, काफी बदलाव हो गया बंधु पहले में और अब में। बहनों को पति की जरूरत नहीं रही भगवान राम और भगवान कन्हैया जैसे, है? याद रहे। देखो हमारे भगवान राम और भगवान कन्हैया इस धरती पर आए तो दूध दही की नदियां बाया करती थी लोगों। वाह, अब तो बंबाल होना ही बात, अब कुछ है ही ना। एक घर में परीक्षित महाराज शादी रहे तो शादी से एक दो दिन पहले घर में ढोलक बजते हैं।